हेलो दोस्तों, विकास अकेदमी गुना में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी, आज हम आपके लिए के आए हैं 15 जून 2020 के करने के क्वेश्चन। ठीक है, 14 जून के हम आपके लिए इसलिए लिखे नहीं आए क्योंकि संडे था उस दिन और संडे को हम करंट के क्वेश्चन नहीं डालते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले की वीडियो देखना ना भूलें, इससे आपका फ्लो अच्छा बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं 15 जून 2020 के करने के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवसों की एक थीम यानी विषय बनाई जाती है, इसका क्या है, सेव ब्लड सेव लिप्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ खून को बचाई और जीवित रहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल जिन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल। कोविड-19 के कारण इनके कार्यकाल में एक वर्ष का विस्तार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी यूटीआई म्यूचुअल फंड का सीईओ नियुक्त किया गया है? इम्तियाजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉलीवुड अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? सुशांत सिंह राजपूत हैं, ये एक यंग अभिनेता थे, इनका भी अभी निधन हुआ है 14 जून को रविवार के दिन। ठीक है, इनकी एमएस धोनी यानी धोनी की जीवन पर आधारित फिल्म थी जो कि सुपरहिट रही थी, और इनकी एक और फिल्म आई थी अभी छिछोरी जो भी बहुत सुपरहिट रही थी। ठीक है, तो ये हमारे 15 जून 2020 के करने के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हम आपके लिए एक बार और पढ़ देते हैं। पहला, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। इसकी विषय क्या है? सेव ब्लड सेव लिव्स। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल जिन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट है, किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का सीईओ नियुक्त किया गया है? इम्तियाजुर रहमान है। नेक्स्ट है, किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? सुशांत सिंह राजपूत हैं। ठीक है, ये हमारे 15 जून 2020 के करने के क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर है पिछले प्रश्न का उत्तर सी, कृतिका पांडे है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष कौन हैं? ए मनोज जैन, बी नलिन सिंघल, सी गुरदीप सिंह, डी वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये हमारे 15 जून 2020 के हिंदी वर्जन के क्वेश्चन हो चुके हैं। हम चलिए इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सेव ब्लड सेव लिव्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु गेट 1 ईयर एक्सटेंशन, के वेणुगोपाल है, जिनके कार्यकाल में एक वर्ष का विस्तार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, कौन है? इम्तियाजुर रहमान है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी, पंकज त्रिपाठी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉलीवुड एक्टर हु पासिस अवे सुशांत सिंह राजपूत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी साइके, कौन है? हु पासिस अवे अतुल श्रीवास्तव हैं। ठीक है, ये हमारे 15 जून 2020 के करने के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हम आपके लिए एक बार पढ़ देती हैं। पहला, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सेव ब्लड सेव लिव्स। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु गेट 1 ईयर एक्सटेंशन, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, हु बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, इम्तियाजुर रहमान हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी, पंकज त्रिपाठी।
नेक्स्ट है बॉलीवुड एक्टर हु पासी सभी सुशांत सिंह राजपूत नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी साई के हु पासिस अभी अतुल श्रीवास्तव। ठीक है, ये हमारे 15 जून 2020 के करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन सी कृतिका पांडे है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन है हु इज द CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL। ए मनोज जैन, बी नलिन सिंघल, सी गुरदीप सिंह, डी वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये हमारे 15 जून 2020 के करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।